मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, और ये बेटा बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 40 प्लस के आसपास जो बेटा शाम को 5:30 बजे लाइव होता है। तो बेटा हम बेबीनेट कंपेंसेटर पढ़ रहे हैं, जिसका बेटा ये यूनिट मैंने थर्ड खत्म करा दी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने मैसेज किया सर बेबीनेट कंपेंसेटर भी करा दीजिए, तो मैं इसे करा रहा हूँ बेटा। और हमारी फोर्थ यूनिट है लेजिट, जो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, और इसके खत्म होते बेटा 5 तारीख को आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बार बार पूछते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब स्टार्ट होगी, तो बेटा हमने शुरुआत में ही बता चुके हैं, तो आप व्यर्थ में अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम 5 से चला देंगे। आज थर्ड यूनिट का छूटा हुआ टॉपिक मैं लास्ट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों ने इसे बोल रहा है करा दीजिए तो करा रहे हैं, हालांकि अनसोल्ड में आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब बेटा ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पढ़ना ना पढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी समझ में आता है अच्छी बात है, जिसकी समझ में नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। आ जाओ देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, बेबीनेट कंपेंसेटर। कॉनकेव ग्रेटिंग भी करा देंगे, घबराओ मत, कॉनकेव ग्रेटिंग भी करा देंगे। बेबीनेट कंपेंसेटर, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। हमने कहा तो है आपके जो पॉइंट है हम वे भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा सर समझ में तो 100% आएगा, ठीक। चलो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, कैसा डिवाइस है बेटा? बेटा कल मैं सोच रहा था इसे रिकॉर्ड करके डाल दूं, फिर मैं कहा लाइव ही लेता हूं, ठीक है, तो इस वजह से कल फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। देखो आ गया बेटा, इट इज अ डिवाइस। यो बेटा एक डिवाइस है, इन विच एनी डिजायर्ड। अरे डिजायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा। मतलब इट इज ए डिवाइस इन विच एनी डिजायर्ड पाथ डिफरेंस कैन बी ऑब्टेंड बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब बेटा ये मत पूछना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या है एंड ऑर्डिनरी रे क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे मतलब बेटा आपको पता है, आपने क्वार्टर वेव प्लेट पढ़ी थी और आपने हाफ वेव प्लेट पढ़ी थी। यो बेटा एक ऐसा डिवाइस है, कैसा, जिससे हम अपनी मर्जी का डिजायर्ड पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या बेटा? डिजायर्ड पाथ डिफरेंस अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लिखा तो है एनी डिजायर्ड पाथ डिफरेंस कैन बी ऑब्टेंड बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे। चलो सर ये तो हमें पता चल गया, यानी के हैंस एक सेकंड बेटा, हैंस इट कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। यानी के इसका मतलब हम इसे हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड फोन साइलेंट कर दूं, आज फोन साइलेंट करना भूल गया मैं, ठीक है ठीक बेटा। हम इसे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, सर ये क्या थी? अरे हाफ प्लेट क्या थी? जिसमें लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होता था। क्वार्टर क्या थी? जिसमें लैम्डा बाय 4 था। इसमें चाहो तो ये और लिख दो, ऑफ एनी वेव लेंथ। तो ये बेटा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप अपनी मर्जी का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। तो इसे हम क्वार्टर वेव प्लेट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाफ वेव प्लेट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेवलेंथ के लिए। अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन इसकी कंस्ट्रक्शन कोई हार्ड नहीं है।
इसमें तो वैज शेप्ड के प्रिज्म होते हैं। सर कौन सी बुक में टॉपिक नहीं है? बेटा हमने बताया तो ये बच्चों ने हमें सेंड किया है, इसे बता दीजिए, तो इस वजह से हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू वैज शेप्ड प्रिज्म P1 एंड P2, इनमें फिक्स वेवलेंथ के लिए ही होता है। ठीक बेटा, बिल्कुल। इट कंसिस्ट ऑफ अ टू वैज, बेटा खंड वाला वैज नहीं है, वैज नॉन वैज समझ रहे हो क्या पता, वो नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ए टू वैज शेप्ड प्रिज्म्स, प्रिज्म्स P1 एंड P2। बेटा दूसरी चीज, आपका अब क्लास कोई छुट्टी नहीं लगी, अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। ठीक, ऑफ इक्वल एक्यूट एंगल, फुल स्टॉप, एंगल की स्पेलिंग बेटा एंगल ही होती है। दीज प्रिज्म आर प्लेस्ड, ये प्रिज्म रखे हुए हैं। ठीक, दीज प्रिज्म आर प्लेस्ड डायगोनली एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से डायगोनली ऐसे चिपका के रख दिए। अभी बेटा फिगर बनाऊंगा, फिल्म कह रहा, फिगर बनाऊंगा, सब आसान लगेगा, कुछ नहीं है, बस वही जो अभी बोल रहे हैं गैलेक्सी जी, हलवा है, बस आपको खाना है। ठीक, क्यों रखते हैं बेटा, सो दैट दे मे कैन मेक ए, सो दैट दे कैन मेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक, अब जो प्रिज्म P1 है बेटा वो फिक्स होता है, P2 के ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे मोशन कर सकता है। फुल स्टॉप, प्रिज्म P1 इज फिक्स्ड व्हाइल प्रिज्म P2 कैन मूव विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। अब बेटा सुनते रहो, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, फिक्स्ड अबाउ इट, फिक्स्ड अबाउ इट, इसके ऊपर फिक्स होता है। सर ये क्या क्या कहानी बता दी, एक बार इनकी कंस्ट्रक्शन बता दो, फोटो खींच लो जल्दी फटाफट, नागिन बन जाओ, चलें चलें बेटा, चलो बेटा आ जाओ, अब हम आगे चलते हैं। देखो बेटा ये हमने क्या है बेटा, ये हमने ऐसे किया, हमने यहां पे क्या लगाया बेटा, दो प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म ये है, ये रहा। ठीक, ये रहा इस तरीके से, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बेटा जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हो, अबे आप कल के शिक्षक हो, कल के NDA ऑफिसर हो, इस तरह की अभद्र भाषा आपको शोभा देती है, कैसे लगोगे इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए। यहां इसके डायगनली, अबे डायगनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। कशिश जी माइक ही नहीं है बेटा, वॉइस तो पूरी जबरदस्त आ रही होगी, आपके हेडफोन या मोबाइल में दिक्कत है, माइक ही नहीं लगाया हुआ, वॉइस तो जबरदस्त आ रही होगी। यहां बेटा हमने क्या लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया प्रिज्म, ये रहा इसके डायगनली, एक्यूट एंगल क्या है, दोनों के बराबर है, इसे बेटा ये रहा, ये दूसरा ऐसे रख दिया मैंने, टू 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 टू, इसके यहां पे क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्रू, जिसकी मदद से आप इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हो। कैसे बेटा, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक दो फिगर बना लो, एक फिगर वो और एक फिगर हल्की सी, जिससे एग्जामिनर बेटा समझना हो अच्छी बात है, नहीं समझना तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस किसी बच्चे ने पूछा था। अब जैसे मौर्य जी ने क्या पूछा है बेटा, मौर्य जी ने पूछा है आपका यही क्या है इसका नाम, कॉनकेव ग्रेटिंग, उसे भी करा देंगे, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक, सिवाय लैंग्वेज के कुछ नहीं है, ये रहा, इसे हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं।
दोनों फिगर बना लो फटाफट। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्किंग। सर आज इसका प्रैक्टिकल। हाँ बेटा, ये जो भी इस तरह के डिवाइस होते हैं ना, जो डिवाइस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, मोस्टली इनका प्रैक्टिकल ही होता है। सर सीसीएस। हाँ बेटा, सीसीएसयू वाले तो करो ही करो, उनके तो किट्स नाम भी दिया हुआ है, पर आज तक पेपर में नहीं आया। अनसोल्ड में ही आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछा जाता। इससे ज्यादा एग्जामिनर प्रेफर करता है फैब्री पैरोट को, प्रेफर करता है आपके माइकलसन को, प्रेफर करता है, ठीक। और दूसरी चीज मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है बेटा, हम 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 5 तारीख तक बिल्कुल ये खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज बेटा, 5 तारीख को खत्म होने के बाद, जैसी 4 को खत्म हो जाएगी, 5 को जैसी हम वो चलाएंगे, तो बेटा सब बच्चे उसे ध्यान से पढ़ना, जो इसमें भी बीच में जुड़े हैं ना क्लास में, किसी ने पूरी वीडियोस नहीं देखी, वे नई वीडियो के लिए बड़ा ध्यान से पढ़े। बेटा फ्रेशनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन करा चुके हैं बेटा, लेजर ईएफ फोर्थ यूनिट कल से चल जाएगी। अमित कुमार जी बेफिक्र रहिए, अब हम इसकी क्या पढ़ते हैं? वर्किंग। कल चल जाएगी, घबराओ मत। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इसकी वर्किंग। कल यूनिट 4 चल जाएगी लेजर्स, उसमें तो गिने चुने 4-5 टॉपिक है, और वही आते हैं हर बार, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, इसकी वर्किंग की चर्चा करते हैं। बेटा हमने क्या करा बेटा, प्रिज्म 1 पे अनपोलराइज्ड लाइट डाल ली। किस पे? प्रिज्म 1 पे। जैसे ही प्रिज्म 1 पे अनपोलराइज्ड लाइट डलेगी, तो बेटा क्या करेगी, यो ब्रेक हो जाएगी। किस में ब्रेक हो जाएगी? ई रे में और ओ रे में, ठीक। चलो हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव वो कैसा भी हो, पढ़नी तो थ्योरी है, यहाँ नहीं हो रही बेटा, यहाँ तो गर्मी है जबरदस्त। तो बेटा ई रे में और ओ रे में ब्रेक हो जाएगी, ठीक। अब यो जैसी इसमें जाएंगी, वापस से हो रही ई रे में, खोपड़ी में नहीं घुसा। देखो, वहन अनपोलराइज्ड लाइट ठीक फॉल्स या इंसिडेंट ऑन प्रिज्म P1, देन इट विल स्प्लिट इनटू ई रे एंड ओ रे। अब किसमें कन्वर्ट होगी? ई रे में और ओ रे में। अब जैसी बेटा सेकंड प्रिज्म में घुसे, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, क्या जैसी बेटा सेकंड प्रिज्म में घुसे, पलट जाएगी। क्या होगा बेटा? पलट जाएगी। पलटने के बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना, जो ओ रे है वो ई रे में बदल जाएगी, जो ई रे है वो ओ रे में, जो ई रे है वो ओ रे में, और जो ओ रे है वो ई रे में बदल जाएगी। बिल्कुल शाबाश, आज मोहित जी तैयार है, पढ़ के आए हैं इसे, ठीक है। चलो अब देखो, एंड व्हेन दीज ई रे एंड ओ रे takes entry in prism P2, then E ray will convert into O ray। बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज लगा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा खास नहीं आता, एंड ओ रे कन्वर्ट, वरना बहुत लैंग्वेज लिखा सकता हूं, तो मैं ज्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूं बेटा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा अगर हम प्रिज्म 1 की बात करें, प्रिज्म 1 की हमने थिकनेस क्या मान ली बेटा, T1, और प्रिज्म P2 की थिकनेस क्या मान ली हमने, T2, ठीक। लास्ट में बेटा, हाँ बेटा, ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, घबराओ मत, ठीक है। सर इट इज फॉर द एनालिसिस, हाँ उसके लिए भी यूज होता है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एनालिसिस के लिए निकोल प्रिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक। चलो आ जाओ, तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया प्रिज्म P1 की जो थिकनेस है T1 है, और प्रिज्म P2 की T2। अभी आप इस चीज को छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 4 प्रिज्म P1, इसे मैंने रफ किया, कर दू। चलो 4 प्रिज्म P1, अब वर्किंग ही पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। फोर प्रिज्म पी वन। अगर हम बेटा P1 प्रिज्म की बात करें, आपको पता है प्रिज्म P1 के लिए बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तन गुणांक, जल्दी बताओ अपवर्तन गुणांक किसके बराबर होता है? अबे अपवर्तन गुणांक होता है ऑप्टिकल पाथ अपॉन रियल पाथ, यही तो होता है।
प्रकाश्य पथ अपोन वास्तविक पथ, प्रकाश्य रास्ता अपोन वास्तविक रास्ता, तो यहां से ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया मेरा, यहां से ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया, ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया बेटा, म्यू इंटू रियल पाथ, म्यू इंटू रियल पाथ, ठीक, म्यू इंटू रियल पाथ। अब रियल पाथ हमने क्या मानना हुआ, कितनी थिकनेस मानी टी वन, तो बेटा कितनी चली लहराती हुई टी वन चली, तो बेटा ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया, ऑप्टिकल पाथ आ गया म्यू इंटू टी वन, किसका आया बेटा ये, किसका आया चांद मेरे, ये आया ई रे का या ओ रे का, हमने किसका निकाल लिया बेटा, ई रे का निकाल लिया, तो ई रे के लेके यहां म्यू ई आ गया फोर ओ रे। अगर ओ रे की बात करें तो ओ रे के लिए ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया, ऑप्टिकल पाथ कितना आ गया म्यू ओ इंटू टी वन, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, इसलिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस दोनों में पाथ डिफरेंस कितना बेटा, एक का ऑप्टिकल पाथ दूसरे के ऑप्टिकल पाथ में से घटा दो, चाहे इसमें से माइनस कर दो, मोहित जी बताओ किसमें से कौन सा माइनस करेंगे, बताओ इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, कौन सी बड़ी वैल्यू है, म्यू ओ इंटू टी वन या म्यू ई इंटू टी वन, फटाफट 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 पाथ डिफरेंस निकालना, एक का रास्ता यो है ई रे का और ए का रास्ता यो है, तो ये बताओ इनमें पाथ में डिफरेंस कैसा निकाल लेगा। अभी बताया सुमित गुप्ता जी ने ई माइनस ओ, ई से मोहित जी ने बताया ई से, ठीक, ई माइनस ओ, ई माइनस ओ, ई माइनस ओ, ई माइनस ओ, म्यू ई माइनस म्यू ओ, ई से ओ माइनस करें, चलो आपकी बात मान ली, क्यों क्यों नालायक हो, चलो मैंने आपकी बात मान ली, म्यू ई टी वन माइनस म्यू ओ टी वन ले लिया मैंने, अब क्या करें, अबे हमें नहीं पता कौन सा बड़ा चल रहा है, ये दिमाग ना चलाया करो, हमें क्या पता बेटा म्यू ई ज्यादा बड़ा है, ई माइनस ओ क्यों ले रहे हो, ओ माइनस ई से क्या नफरत है तुम्हें, प्यार नहीं है उससे, अबे कुछ भी ले सकते हो, जो उनसे बड़ा है वो पता चलेगा एग्जामिनर के क्वेश्चंस है, उसने म्यू ओ बड़ा दिया है म्यू ई, हालांकि हमने बता रखा है निकोल प्रिज्म के लिए कनाडा बालसम, लेकिन ये तो अलग अलग दो प्रिज्म है, ठीक, रीता जी ने कहा ई फॉरवर्ड हो रही है, पर बेटा ओ भी तो ऐसे आ रही है, ओ भी तो ज्यादा चल सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस का सिंबल ले लेंगे, ये रहा डिफरेंस का सिंबल, मतलब जो बड़ा है छोटा घटा देंगे, अब कंफ्यूजन ही दूर, टी वन कॉमन म्यू ई डिफरेंस म्यू ओ, डिफरेंस का मतलब तो आप जानते हो, ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक बेटा बता दिया, कल से चला देंगे सृष्टि जी, बेटा कल जो न्यू यूनिट है बिल्कुल फ्रेश है, सबकी समझ में आएगा, तो कल की यूनिट में जरूर उपस्थित रहें। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, फोर प्रिज्म पी टू, अब बेटा प्रिज्म पी टू लेंगे, पी टू में क्या होगा मेरा चांद, जल्दी फटाफट बताओ, प्रिज्म पी टू में क्या होगा, अबे P2 में ई रे ओ रे में कन्वर्ट हो जाएगी और ओ रे ई रे में कन्वर्ट हो जाएगी, बताओ, फॉर प्रिज्म P2 ई रे कन्वर्टेड इनटू ओ रे एंड ओ रे कन्वर्टेड इनटू ई रे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो बेटा फिर से पार्ट डिफरेंस निकाल लो, म्यू ई कितना हो जाएगा मेरे चांद, रफ कर दूं ऊपर का रफ कर दूं फिगर, फिगर तो बना ली होगी, अब देखो बेटा यहां पे पार्ट डिफरेंस फिर से ये लगाएंगे, फोर ई रे के लिए बेटा ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, सेम यही प्रोसीजर लगेगा, ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा मेरे चांद, ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा म्यू ई टी वन की जगह पे हमने उसकी थिकनेस कितनी मान ली टी टू, और ए के लिए कितना आ जाएगा, और ए के लिए सेम ऐसा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, म्यू ओ इंटू टी टू, बताओ ये तो कोई समस्या नहीं, अरे कोई दिखाने की जरूरत नहीं, लाइट वाइट थको मत, दिमाग पे जोर मत डालो, ये इतना ज्यादा नहीं आता, ठीक। अब यहां पे भी बेटा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया,
यहां पे अगर पार्ट डिफरेंस की बात करूं बेटा तो यहां भी क्या हो जाएगा, म्यू ई टी टू डिफरेंस म्यू ओ टी टू, तो यहां भी टी टू कॉमन, क्या बचा म्यू ई डिफरेंस म्यू ओ, बताओ यही तो बचा। अब क्या निकाल लेंगे बेटा, ओवरऑल पार्ट डिफरेंस टू 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 टू, क्या बेटा ओवरऑल या टोटल लिख लो, ओवरऑल थोड़ा अजीब सा लगता है, टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा, टोटल पार्ट डिफरेंस ये वाला पार्ट डिफरेंस प्लस ये वाला पार्ट डिफरेंस, ये वाला पार्ट डिफरेंस प्लस ये वाला, तो बेटा टोटल पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, दोनों को प्लस कर दो, T1 म्यू E डिफरेंस म्यू O प्लस T2 म्यू E डिफरेंस म्यू O, यही होगा बेटा। सर दोनों की थिकनेस T1 क्यों ही है, पर T1 कहां है, एक की T2 है एक की T1 है, क्या कर रहे हो नालायक को बताओ। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, अब यहां पे खेल खराब होता है बच्चों का, क्या खेल खराब होता है बेटा, हमने बताया एक में ई रे थी दूसरे में वो ओ रे बन गई, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट हो गए, मतलब अगर हमने इसके लिए म्यू ई बड़ा ले लिया तो बेटा इसके लिए क्या बड़ा हो जाएगा म्यू ओ, यो बात समझ रहे हो, हमने लेट कर लिया पी वन के लिए म्यू ई म्यू ओ से बड़ा है, समझना बड़े ध्यान से, यहां खेल खराब होता है बच्चों का। अबे हमने P1 के लिए मान लिया म्यू ई म्यू ओ से बड़ा है, लेकिन जब सेकंड प्रिज्म में पहुंचोगे तो कंडीशन उलट जाती है, कंडीशन उलटने का मतलब वहां म्यू ओ बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि सेकंड प्रिज्म में बेटा म्यू ई तो म्यू ओ बनता है और म्यू ई बनता है, तो बड़ा तो इधर वाले गए ना, अबे सेकंड प्रिज्म में यही तो पलटा है, तो सेकंड प्रिज्म में उल्टा सीन बन जाता है, ध्यान रखना ठीक है, आओ चले चलो बेटा चलो। अरे मैट्रिक्स कहां देखे यार, पता नहीं क्या सड़े हुए टॉपिक ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हो, इतने बकवास टॉपिक तो कोई पढ़ता भी नहीं छेड़ता भी नहीं। अब बेटा देखो T1 म्यू E माइनस म्यू O, अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया म्यू E माइनस म्यू O, अब बेटा पूरे में से क्या कॉमन ले लिया म्यू E माइनस म्यू O कॉमन, तो क्या बचा T1 माइनस T2, ये बचा बेटा ओवरऑल पार्ट डिफरेंस। अब अगर दोनों की थिकनेस क्या हो बराबर, इफ T1 इक्वल्स टू T2 देन पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो, अबे T1 माइनस T2 जीरो है, इसी वजह से दोनों की थिकनेस हम नहीं लेते, क्योंकि 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 बेटा पार्ट डिफरेंस ही नहीं बचेगा, ठीक। अब हमें पता चल गया बेटा, अब तो कोई समस्या नहीं, बताओ कोई क्वेश्चन। अब बेटा हमें अपनी मर्जी से कितने पार्ट डिफरेंस बना सकते हैं, प्रिज्म की थिकनेस घटा बढ़ा के या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घटा बढ़ा के, जितना हमें चाहिए हम उतना अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बताओ मोहित जी, जो भी डाउट हो बेबी नेट कंपेंसेटर से, जो भी आपकी खोपड़ी में डाउट आ रहा हो पूछो, क्योंकि मैंने ज्यादा इसमें घुसा नहीं, क्यों नहीं घुसा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी फटाफट पूछो, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बेटा, कल ही करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसके बीच बीच में जैसे कौन के रेटिंग है वे टॉपिक भी बीच बीच में हम उनकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे बेटा, चले तो फिर कल ही करेंगे। कल बेटा क्या चलाएंगे, लेजर चलाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव क्रिस्टल होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए बेटा डी ओ रैली तो है, अब डी ओ रैली तो है जो राइट और लेफ्ट रोटेट करते हैं, पता नहीं क्या इतने आसान क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है बेटा, कोई फिक्स नहीं होते न्यूमेरिकल, चॉइस में होते हैं, अरे अनसोल्ड ले लो, अब तो अनसोल्ड ले लो मेरे भाइयों, अनसोल्ड में देखो न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं, ठीक है चलो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, प्रणाम।